एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक थियरेपी। आज है हमारा डे 8 ऑफ एफकैट प्रिपरेशन सीरीज। वी वर लुकिंग एट इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज हमारा होने वाला है पार्ट 2 ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड दिस वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ इट। कल से वी विल स्टार्ट लुकिंग एट सम ग्रामर क्वेश्चंस व्हिच विल हेल्प यू इन कॉम्प्रिहेंशन एंड कंप्लीटिंग द पैसेज एरर डिटेक्शन में। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पार्ट 2 ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि idioms and phrases आपको सिर्फ idioms and phrases के फॉर्म में नहीं पूछे जा सकते, वो आपको एक सेंटेंस के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। दैट इज वो फ्रेज या idiom वो सेंटेंस में हिडन होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट एंड देन यू हैव टू कम टू अन आंसर। तो ये ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि आप मीनिंग डिराइव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी सेंटेंस दिया है, जस्ट कीप योर विग ऑन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सो ऑप्शंस देखते हैं, होल्ड ऑन टू योर विग सो इट वॉन्ट फॉल ऑफ। सो ये अगर आप सेंटेंस में यूज करके देखो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। गेट अनादर हेयर कट, उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो काम डाउन, सो ऑप्शन नंबर 3, काम डाउन इज द राइट आंसर हियर। सो द सेंटेंस मीन्स जस्ट कीप योर काम, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सो अगर आपको ऐसे सेंटेंस के फॉर्म में भी पूछा जाए तो भी आना चाहिए, या फिर अगर आपको इतना ही दिया जाए टू कीप योर विग ऑन तो भी आपको आना चाहिए। सो टू कीप योर विग ऑन इट मीन्स टू काम डाउन। क्वेश्चन 2 इज एनाज हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरी रिलेशनशिप इज अर्कसम। सो यहाँ पे द हिडन फ्रेज आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, एनाज हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स। सो पिकिंग होल्स इज एन idiom। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? एडमायरिंग पीपल, फाइंडिंग फॉल्ट्स, क्रिटिसाइजिंग पीपल, आर्ग्यूइंग विद पीपल। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फाइंडिंग फॉल्ट्स। पिकिंग होल्स मीन्स टू फाइंड फॉल्ट्स। सो एनाज हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स इन एवरी रिलेशनशिप इज अर्कसम। इसको आप अलग तरीके से कैसे बोल सकते हो? एनाज हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरी रिलेशनशिप इज अर्कसम। क्वेश्चन 3 इज एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ हेल्सियन डेज। सो यहाँ पे idiom है हेल्सियन डेज। सो हेल्सियन डेज इट मीन्स हैप्पी डेज। सो एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ हेल्सियन डेज, दैट मीन्स हैप्पी डेज। सो ये जो फ्रेज है वो उस टाइम के पीरियड को डिनोट करती है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के साल आते हैं। तो दे वर क्वाइट हैप्पी आफ्टर द वॉर, सो हेल्सियन डेज इज हैप्पी डेज। क्वेश्चन 4 इज पे थ्रू नोज यूज इन अ सेंटेंस। सारास पेरेंट्स पे थ्रू देयर नोज टू एजुकेट हर। सो पे थ्रू नोज मतलब कि आप किसी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, मीन्स पेइंग हाई अमाउंट। सो पेइंग थ्रू वंस नोज इट मीन्स टू पे हाई अमाउंट। सो सेरास पेरेंट्स पे थ्रू देयर नोज टू एजुकेट हर, सेरास पेरेंट्स पे हाई अमाउंट टू एजुकेट हर। क्वेश्चन नंबर 5 इज वॉश योर हैंड्स ऑफ यूज इन अ सेंटेंस। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम एनी मोर, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ। सो मुझे इस चीज का हिस्सा नहीं बनना है, मैं अपना नाम पीछे लेता हूँ, मतलब दैट इज समथिंग आई टेक माई हैंड्स ऑफ, आई वॉन्ट माई हैंड्स ऑफ, विच मीन्स टू डिसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सो टू विड्रॉ योर सेल्फ, टू बैक ऑफ, this is all what means wash your hands off. Question 6 is to fall on a stony ground use in a sentence. Her speech about the need for a peaceful solution to the crisis fell on a stony ground, which means ki wo idea khatam ho jana, it gets ignored, ya fir uska kuch kisi ne consider nahi karna hai wo idea, so it falls on a stony ground. So options dikhte, was counterproductive, had a strong impact, made on stubborn, and option 4th is had a little success or ignored. So option 4 is the correct answer here, had a little success or ignored. Question 7 is to have all ducks in a row. Abhi aapko pata hai ki ducks kaise chalte hain, ek line mein chalte hain, kabhi kabhi bikhre hue hote hain, to unko ek line mein lana matlab us kisi cheez ko organize karna. So use in a sentence, I wish we could join you but we have to get our ducks in a row before our move this weekend. मतलब to organize our things, to get ready, to सब ठीक ठाक करना है, चीज़ें संभालनी है, उसको बोलते हैं to have all ducks in a row. Option 2 is well organized is the correct answer here. Question 8 is as duck takes to water.
मतलब कोई जो डक होता है वो पानी में ही रहता है, तो वो इजीली पानी की तरफ जाता है, इजीली पानी से बाहर आता है, तो उसका एक एफिनिटी रहती है टूवर्ड्स दी वाटर, सो बिना कुछ फोर्स किए वो अपने आप से पानी की तरफ जाता है, मतलब इजीली जाता है, नेचुरली जाता है. सो यूज इन अ सेंटेंस, शी इज टेकन टू द होम ऑफ अ ग्रैंड मा लाइक अ डक टू वाटर, मतलब वो अपने ग्रैंड माँ के घर कैसे गई, जैसे एक डक वाटर की तरफ जाता है, मतलब इजीली चली गई, नेचुरली चली गई. सो ऑप्शन नंबर 4, इजीली एंड नेचुरली इज दी राइट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 9, मेड माई डे, यूज इन अ सेंटेंस द कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई स्पीच सिंपली मेड माई डे. मेड माई डे मतलब मेरा दिन बन गया. वेन डू वी से दैट मेरा दिन बन गया आज? वेन वी आर वेरी हैप्पी, अगर किसी चीज़ से हमें बहुत खुशी मिलती है तो हम बोलते हैं कि आज मेरा दिन बन गया. तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 इज दी राइट आंसर, गिव मी ग्रेट प्लेजर. आज का 10th idiom है टू मेक अवे विथ, यूज इन अ सेंटेंस, ही मेड अवे विथ ऑल द मनी इन द सेफ, दैट इज ही रैन अवे विथ ऑल द मनी इन द सेफ. सो टू मेक अवे विथ इट मीन्स टू रन अवे. ऑप्शन नंबर 2, रैन अवे विथ इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. देयर इज ऑल्सो अ वर्ड कॉल्ड स्क्वांडर्ड हियर विच मीन्स वेस्ट. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11 इज टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, यूज इन अ सेंटेंस, द टीम वॉज वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. इट मीन्स टू वर्क इन अ हरी, टू वर्क एफिशियंटली जस्ट टू कैच अप विद द टाइम. सो टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, वर्क विथ विगर टू फिनिश इन लिमिटेड टाइम. क्वेश्चन नंबर 12 इज टू लेट ऑफ स्टीम, सो यूज इन अ सेंटेंसेस, ही लेट ऑफ स्टीम बाई येलिंग एट अ क्लर्क. सो यहाँ पे आप एक प्रेशर कुकर इमेजिन कर सकते हो, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर भर जाता है तो स्टीम निकलती है उसमें से, तो वैसे ही यहाँ पे आपने देखना है कि अगर किसी इंसान के अंदर बहुत गुस्सा भर जाए तो वो बाहर कैसे निकलता है. तो यू कैन यूज दिस स्टीम सॉरी ईडियम टू लेट ऑफ स्टीम. सो ऑप्शन नंबर 2, टू शो एंगर मीन्स टू लेट ऑफ स्टीम बाय येलिंग एट अ क्लर्क. ही शोड हिज एंगर बाय येलिंग एट अ क्लर्क. क्वेश्चन 13, वॉटर अंडर द ब्रिज, यूज इन अ सेंटेंस, येस वी डिड हैव अ डिसअग्रीमेंट्स बट दैट्स वॉटर अंडर द ब्रिज नाउ, मीन्स समथिंग यू कैनॉट चेंज. सो वॉटर अंडर द ब्रिज इट मीन्स समथिंग यू कैनॉट चेंज. क्वेश्चन नंबर 14, टू स्टिक टू योर गन्स, यूज इन अ सेंटेंस, डिस्पाइट हार्श क्रिटिसिज्म शी इज स्टिकिंग टू हर गन्स ऑन दिस इशू, विच मीन्स शी इज होल्डिंग ऑन टू हर डिसीजन, शी इज होल्डिंग ऑन टू हर डिसीजन ओवर दिस इशू, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. टू स्टिक टू योर गन्स मीन्स टू नॉट चेंज योर डिसीजन, स्टिक बाय इट नो मैटर हाउ मच क्रिटिसिज्म यू गेट और हाउ मच प्रॉब्लम्स यू गेट, यू आर गोइंग टू स्टिक बाय इट. क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यूज इन अ सेंटेंस, यू कैन ट्रस्ट हर शी इज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, मीन्स शी इज काइंड. सॉल्ट ऑफ द अर्थ इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कंसिडर्ड एज वेरी जेन्युइन, हु आर अनप्रिटेंशियस, सो यू हैव टू यूज इट इन ऑन दोज लाइन्स. सो यू कैन ट्रस्ट हर शी इज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, शी इज जेन्युइन, शी इज अनप्रिटेंशियस, शी इज काइंड. सो इन दिस वे यू कैन यूज दिस idiom. Question 16, talking through one's hat. So use in a sentence, Cassie keeps saying that she can outrun anyone in our school, but she's talking through her hat if you ask me. So talking through one's hat, it means talking nonsense, talking without understanding, thinking nonsense. So Cassie keeps on saying that she can outrun anyone in our school, but I think she is talking nonsense or she is talking through her hat. Question number 17, to call a spade a spade. So use in a sentence, he failed the exam twice. If you call a spade, then you would not push him to give it again. That is, to call a spade means to speak in a straightforward manner, means to call what actually it is called and not beat around the bush or call it something else or call something synonymous to it. Rather speak in a straightforward manner, to speak frankly and directly. Question number 18 is to face the music. Use in a sentence, after cheating his employer,
द एम्बलेजर फाइनली हैड टू फेस द म्यूजिक. टू फेस द म्यूजिक मीन्स टू फेस द अनप्लेजेंट सिचुएशन, दैट इज टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट. सो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर हियर. टू फेस द म्यूजिक मीन्स टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट, टू फेस द अनप्लेजेंट सिचुएशन. Question 19 is to play second fiddle. Use in a sentence. Tired of playing second fiddle, she resigned and started her own company. So it means you are second in role, that is you are a subordinate. So option number 3, take a subordinate role. So to play second fiddle, it means to play a subordinate role. Question number 20, to jump down one's throat. It means, let us see in a sentence first. I was about to say before you jumped down my throat that I agree with you, which means to scold someone very severely. So to jump down one's throat means to scold someone, scolding someone. So option 3 is the right answer here. So I was about to say that I agree with you before you jumped down my throat, before you made me scold you. So this is what it means. Now, I followed previous year's question papers and here are very important idioms and phrases for practice, and here it goes. Here is a list of it. Please note it down. They are very important. Idiom, all agog, it means in a state of excitement. Esprit de corps, it means unity. Third is cloak and dagger, it means like a spy. Fourth is to be at the end of one's tether. It means to have no resources left. Fifth is in a jiffy. It means suddenly. Sixth is up to the hilt. It means completely. Seventh is man of letters. Means a literary person. Eighth is sangfroid. It means composure. Ninth is in will and woe. It means in prosperity and adversity. Tenth, globetrotters. It means travelers around the world. 11th is a curtain lecture. It is a private scolding of a husband by his wife. 12th is square pegs in round holes. That is people in wrong job. And 13th is white elephant, which is expensive and useless position. So these are very important. I have marked it as a red star. Note it down. So here we complete our 100 idioms and phrases. So here is a comprehension that I've designed for you. One on this page and one on next page. You know the drill. Pause the video now and try to solve them. This is the page 2 of our comprehension if you have missed it. So pause this video now and attempt it. So here are the answers for the comprehension that you have just attempted. And I hope you have got them right. Also, I would like to tell you that I am just your mentor. I will help you learn. I'll help you grow. I'll teach you how to learn things. But in the end, it is you who are supposed to practice. So please keep on practicing. Please keep on revising whatever you have studied till now. And that is how you're going to memorize it. And you'll be able to remember it during your exam. Practice makes a man perfect. So instead of using your general sentences, try to use these idioms and phrases to make it more fancy. And also at the same time help you learn more idioms and phrases. So I hope you enjoyed our today's lecture. Tomorrow we will be starting our grammar series in which we will be covering 100 grammar rules. So stay tuned and I'll see you tomorrow. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आपने मेरे लिए इतना किया तो. इट्स फ्री एंड इट विल ऑलवेज बी फ्री एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.